नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव नगलाराई में ससुराली द्वारा पत्नी को ना भेजने से क्षुब्ध पति ने गले में चुन्नी का फंदा लगाकर कमरे की छत पर पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। चरथावल थाना क्षेत्र के गांव नगलाराई निवासी विजयपाल के 28 वर्षीय पुत्र आकाश की शादी चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कसियारा में 3 साल पहले कमलदास के पुत्र के साथ हुई थी। दोनों से एक बच्ची भी है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों पति पत्नी में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद हुआ करता था। पति पत्नी में समझौते के प्रयास भी किए जा रहे थे। विवाद के कारण पत्नी कई महीने से अपने मायके में रह रही थी, जिसको लाने के लिए गांव में 2 बार पंचायत भी हुई थी। वहीं पत्नी को लाने के लिए पति द्वारा एक पारिवारिक वाद भी दायर किया हुआ था। सम्मानित लोगों द्वारा पति पत्नी के समझौते के प्रयास भी किए जा रहे थे। आरोप है कि युवक के ससुराल वाले उसकी पत्नी को भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इसी बात को लेकर युवक काफी समय से परेशान था। बताया जा रहा है कि इसी टेंशन के चलते रात्रि में युवक ने कमरे का दरवाजा बंद करके गले में चुन्नी का फंदा लगाकर छत के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पंखे से लटका देखकर घर में चीख पुकार मच गई। परिजनों को इसका पता उस वक्त लगा जब युवक देर तक नहीं उठा और वह उसे उठाने के लिए गए। परिजनों द्वारा युवक को पंखे से लटका देखकर परिजनों में चीख पुकार मच गई। इसके मम्मी और पापा जो है इस बहू के 3 महीने पहले आए थे और वह यहाँ से गाड़ी खुशी में ले गए। मेरी घरवाली बल्कि सड़क तक मैं गाड़ी में बिठा गई। उसके बाद मंजी क्या नाम उन्होंने थाने में तहरीर दे दी। एक सासू सर ने देवंग ने और उसके पति ने इसे मार पीट कर घर से काट दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। फिर हम वहाँ गाँव में पहुँचे जी। जसवीर चेयरमैन जी के यहाँ से और दीपक प्रधान जी के यहाँ से उन्होंने बहुत प्रयास करा। यहाँ अलावलपुर चौकी में भी गए जी हम। उन्होंने दरोगा जी ने भी हमारे साथ जाकर बहुत प्रयास करा, भाई इसे भेज दो, इस तरीके का घर नहीं बिगाड़े करते। इसकी माँ को भी कहा तुम इन्हें मिलन नहीं देने की, लेकिन इसकी माँ या बाप बिल्कुल टस्त मस नहीं हुई भेजने को। फिर 15 दिन तक यू ड्रामा लगा, चलो भेज देंगे, तू उसके पैर पकड़, कभी उसके पैर पकड़। 15 दिन तक मेरे लड़के भी यही टॉर्चर करते रहे जी। फिर 12 तारीख थी वहाँ से उसके लिए 12 तारीख में गए। वहाँ भी इसने नई काम ले जाऊ इन काम है जाने के नहीं, इसके माँ बापों ने काम भेजने के नहीं। फिर परसों भी गए आए वहाँ से लेंडी से बैठना दिया, उन्होंने धक्के मार के बाहर काट दिया। और रात भी 1 बजे करीब बात हुई जिसकी 19 मिनट। अब पता नहीं मेरे लड़के क्या धमकी दी उन्होंने, क्या करा, कैसे टॉर्चर कर रहे थे। इसने मजबूरी में कदम उठाया, मेरा घर बर्बाद कर दिया। आज थाना चरथावल के ग्राम नगला राई से एक व्यक्ति ने फोन करके सूचना दी। बीती रात उसके लड़के ने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर तत्काल थाना चरथावल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पीएम कार्रवाई के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। ग्रामवासी एवं घर वालों से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जो मृतक है उसकी शादी 2021 में हुई थी। उस दिन से उसकी पत्नी से उसका विवाद चल रहा था और विवाद को सुलझाने के लिए मुजफ्फरनगर शहर में कोर्ट में मीडिएशन की कार्रवाई चल रही थी। बहरहाल इन्हीं कारणों से उसके द्वारा सुसाइड करना बताया गया है। पुलिस द्वारा समस्त बिंदुओं पर जांच की कार्रवाई की जा रही है। घर वालों से संपर्क किया गया है, जैसा भी तथ्य प्रकाश में आएगा और घर वालों से तहरीर प्राप्त करके विधिक कार्रवाई। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।